तो ये फाइनली रेसिपी पूरी हमारी रेडी हो गई है। डिश देखिए, मैंने ऐसे सजाई हूँ, बाटी रखी हूँ, थोड़े से कुरड़ई तल ली हूँ और दाल पे घी। वाओ, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं। बस मेरे ईजान की थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी अच्छी भी है अभी बोल सकते हैं कि ये सब उसको दाँत आ रहे हैं इसके वजह से हो रहा है। तो चलिए अभी वो टॉपिक छोड़ते हैं। आज का ब्लॉग हमारा जो है वो रेसिपी का है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेसिपी दाल बाटी की। दाल बाटी रेसिपी जो है वो राजस्थान की फेमस बोलते हैं ना, स्पेशल डिश है, तो वो ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे घर में तो हमेशा बनती थी पहले, अम्मी मेरे हमेशा बनाते थे, तो मैंने सोची आज मैं भी बनाती हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ, मैंने तैयारी तो करके रखी हूँ। तो चलिए अभी उसकी तैयारी मैंने ये करके रखी हूँ। तो अभी मैं पहले दाल गलने रखती हूँ, दाल गलने तक फिर हम बाटी की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो चलिए ये देखिए, ये दाल है, इसमें कौन सी दाल है पता है? तीन दाल है। आप चाहे तो जितने भी चने की दाल, उड़द की दाल है, वो सब कुछ मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ली हूँ मसूर की दाल, तुअर की दाल और मूंग की दाल। तो ये तीनों का मिश्रण करके हम दाल बनाएंगे। तो इसको अभी गलने डालती हूँ कुकर में। अभी ये दाल को हम गला लेते हैं पहले। तो ये दाल को हम इसमें डाल देते हैं कुकर में। कुकर में फटाक से गल जाती है। और ऐसा देखा जाए ना तो राजस्थानी जो लोग होते हैं ना, उन लोग पतीले में ही बॉईल करते हैं, मतलब ऐसे भगोने में ही बॉईल करते हैं। आप कब गए थे राजस्थान को ये सब देखने के लिए? अरे मैं गई थी ना, तभी मैंने देखी थी। हम लोग अजमेर गए थे ना, तो वहां से मैं राजस्थान गई थी घूमने के लिए। आपने नहीं देखे मेरे वो फोटो ऊंट पे उस पे बैठे? वो फोटो देखा है, लेकिन आपने ये रेसिपी कहाँ पे देखे, किसके घर पे जाके देखे वहाँ पे? हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि राजस्थान से थी वो। अच्छा, कॉलेज में उसके मम्मी बहुत अच्छी बनाते थे ये, तो उन्हीं से सीखा है अपने। हाँ, उन्हीं से सीखा है। अरे वाह, थैंक यू आंटी। अगर आप भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे मुझे ये सीखने को मिली है रेसिपी। वेलकम बेटा। अरे मैंने आपको जवाब ही दिया पड़ा इतने जल्दी, अभी तक वीडियो अपलोड भी नहीं किया मैंने। तो ये दाल इसमें ऐड कर दिए है, और ये दाल को ना मैंने 10 से 15 मिनट तक ऐसे भीगने को रखी थी, फिर कैसे जल्दी से गल जाती है दाल। तो चलिए अभी हम इसमें डालेंगे पानी, एक ग्लास पानी डालियो। और ये देखिए इसमें है हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक याद से। साथ ही साथ अभी हम दाल में डालेंगे टमाटर। तो ये दो टमाटर है, तो मैं इसे थोड़े बड़े बड़े ही कट करके डाल दूंगी इसमें। और अभी के टमाटर देखिए गाइस कितने अच्छे हैं, ये गावरन टमाटर है जो कि हमारे झाड़ में उठे हैं, गैलरी में मैंने लगाया कितने था। छोटे बात है समीर, ऐसे झूठ बात मत करते जाओ। आपसे ही सीखा है फरा, आपने ही बोला ना थोड़ी झूठ बात चलती है बोले व्लॉगिंग में, तो मैंने तो बोला थोड़ा बहुत। ये 20 रुपए किलो मिले हमको, अच्छे मिले ना टमाटर। तो मेरे को बोल के खुद तुम साजुक बन रहे हो कि मत बोलो करके। तो दाल में गलते से अगर हम टमाटर डाले ना तो टेस्ट और भी अच्छा आता दाल का, एकदम सॉफ्ट। अगर वो गावरन टमाटर होगा तो यहाँ, बाकी में हाइब्रिड में नहीं आता है। आप गावरन नहीं बोलते, आप तो अच्छे सीखे गावरन बोलते। अभी यहाँ पे लोग तो गावरन ही बोलते हैं ना, हमारे उधर जवारी बोलते हैं, जवारी हाइब्रिड का आटा बोलते हैं। आपके चेहरे पे अभी से नूर आ रहा है रमजान का, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो आज आप। चुप बैठो। तो ये गैस को मैं कर रही हूँ ऑन, ये वाली गैस को नहीं करती है। अरे इस पे रखा है तो उसको क्यों ऑन कर रहे हो? तो इधर रखूंगी ना मैं ऐसे, और इसको लगाऊंगी ढक्कन, और इसकी मैं लूंगी कितनी सिटी लू, पांच। हाँ, पांच में गल जाएंगी। मैंने लियो पानी और उसको थोड़ा सा गुनगुना बॉईल किया है, और ये है गेहूं का आटा और ये है रवा। तो थोड़ा सा हम इसमें रवा भी ऐड करते हैं। वीडियो के चक्कर में हमारे मैडम जी ने देखे ना, एक हाथ में कंगन पहना है और एक हाथ में नहीं पहना है। वीडियो के चक्कर में नहीं है। हाँ। इजाद ने मेरे हाथ, मतलब वो ऐसा खींचने को कोशिश कर रहा था ना उठा तो। हाँ। तो मैंने उसके हाथ में दे दी वो कंगन, और फिर बाद में मैं पहनना भूल गई। तो ये वाली अंगूठी को अभी, और ये वाली अंगूठी को हम रखते हैं हमारी जगह पे। कौन रखता है गाइस, आप ही बताए, आप लोग भी क्या फ्रिज में रखते हो रिंग? हाँ, ये उधर ही भूल जाते हैं, फिर बाद में मुझे निकालना पड़ता है वहाँ से। नहीं जी, नहीं भूलती। तो चलो अभी हम इसमें डालेंगे अजवाइन, तिल, नमक और ये खाने का सोडा और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी। ये सब डालने से ना बाटी बहुत टेस्टी लगती है, मेरे को तो बहुत पसंद है बाटी। तो इसी से मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी पानी लेती हूँ। मैंने ज़्यादा खाया नहीं है, थोड़ा खाया है ना। आपको मालूम है ना अम्मी ने बनाए थे ना एक बार? हाँ बनाए थे ना।
अभी मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी जो बाटी है ना वो एकदम ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बने, और बाटी में घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैं आटा गूंथती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। हम दोनों आ गए अभी गैलरी में, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, फारा को भी गर्म हो रहा था। मैंने बोला फरा जब तक आटा गूंथते हैं हम दोनों ज़रा घूम के आते हैं। फिर मैंने फ़ैन में लगाया, फ़ैन हम इसलिए नहीं लगाते ताकि उसकी आवाज़ आती है, फिर अपनी वॉइस में भी थोड़ा इरिटेट होता है ना इसीलिए सुनने में, तो फ़ैन लगाते नहीं। तो अभी ऐसी गर्मी में तो कितना गर्म होता है किचन में यार, हम दोनों को भी गर्म हो रहा था। ये भी अभी उठा है, बैठ गए मेरे साथ। ये आटा मैंने गूंथ दी हूँ और ये रेडी हो गया है। अभी हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। इसके ऊपर मैं कटोरा ढक देती हूँ, तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तब तक हमारी दाल भी गल चुकी है, तो दाल को हम बघार लेंगे, उसके बाद फिर बाटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट सिट्टी है जो होने वाली है, तो अभी इसके बाद हम करेंगे हमारा गैस की फ्लेम ऑफ। तो ये कर दी मैंने गैस की फ्लेम ऑफ। अभी ये गैस होने तक मैंने नीचे कर दी, वो बहुत आवाज़ आ रही थी। तो चलिए अभी ये देखिए, ये कूटनी में मैंने ली हूँ लहसुन, एक जो क्या बोलते समय उसको, एक लहसुन बोल दो ना, याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो एक जो लहसुन होता है ना उसके छोटा लहसुन ली हूँ, हाँ पूरा एक अक्का लहसुन, उसके छोटा छोटे छोटा ही है मेरा लहसुन। तो फिर मैंने वो लिया और उसको मैं ऐसे टेच रही हूँ, अभी कूट रही हूँ घुटनी में। तो ये भी मैंने कूट दी। अभी ये गैस मतलब इस ये कुकर ठंडा होने तक मैं सोच रही कि ये दाल बघार मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ कर दो, जल्दी हो जाएगा फिर। चालू कर दी। कुछ हेल्प की जरूरत चाहिए आपको मेरी? नहीं, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। घी में ही मैं सब कर रही, थोड़ा सा ऑयल डालती, इसलिए घी जल्दी खत्म हो रहा है घर में। देखिए यहाँ पे डब्बा ही लेके रखा है इन्होंने अमूल घी का, इसलिए हमारे को ना महीने में 2 डब्बे लगते हैं घर में घी के। कुछ भी मत बोलो। तो थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, पहले ऑयल ही डालती, घी ऊपर से डालेंगे है ना हमें, ऊपर से ही डालते फरा घी। मैंने तेल डाली हूँ, लेकिन अगर आपके घर में घी खाते हैं तो बहुत शौक से तो आप डाल सकते हो, हमारे घर में ये इंसान नहीं खाते घी, करके तो घी बचता है ना। और दूध बचता है, मैं नहीं पीती हूँ चाय। तो ये प्याज है, एक मीडियम साइज की प्याज कट करके ली हूँ। तो अभी मैं ये बघारने का स्टार्ट करती हूँ। ये राई, जीरा, कड़ी पत्ता, उधर हटो सब मेरे लिए। तो अभी इसमें मैंने ऐड की हूँ प्याज, ये लहसुन जो मैंने कूट के रखा है, थोड़ा मैं बारीक गैस पे ही करती हूँ वरना प्याज जल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी दाल भी गल गई है, आप देख लीजिए एक बार। इसमें टमाटो भी अच्छे से स्मैश हो गया है, इसको हमने अच्छे से दाल घुटनी से घोट लिया है। तो अभी इसको हम बघारते हैं। बघार में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है ये किया है, तो थोड़ी देर हम ये मसाले को थोड़ा भून लेंगे एंड देन ये दाल उसमें डाल देंगे। और ये दाल बघारने के बाद फिर हम तैयारी करेंगे बाटी बनाने की। बाटी बहुत ही टेस्टी होती है ये रेसिपी, और बहुत अच्छी है, आप लोग भी ज़रूर 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 ट्राई करना है इसको, ठीक है। ये मसाला हमारा हो गया है, अच्छे से पक रहा है। तो ये अभी मैंने इसमें डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मतलब अपने थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। थोड़ी पतली पतली अच्छी लगती है दाल, तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, और नमक तो वैसे भी हमने ऐड किया है, फिर भी थोड़ा बहुत हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नमक भी ऐड। अगर पानी डालने के बाद अगर वो फीकी लग रही है या कुछ लग रही है तो हम नमक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, और अभी ये जो कोथमीर है हम ये दाल पर डाल देंगे। दाल मैंने एक साइड पे रख दी, वो थोड़े देर अच्छे से वो बॉईल ले लेंगे दाल का, देन दाल इज रेडी। तो चलिए, मैंने ये एक पैन में पानी रखा है बॉईल के लिए, अभी वो बॉईल होने तक मैं यहाँ पे इसकी
जैसे हम रोटी डालने के लिए क्या बोलते हैं पेड़ा बनाते हैं ना, इसे गोल गोल बना के लेना है। तो ये ऐसे गोल गोल लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब पानी को बॉईल आने देंगे एंड देन हम ये सब उस पानी में डालेंगे और इसको बॉईल ले लेंगे। बन गए चार बॉल, चार ने कितने, दो चार छः आठ बॉल बन गए, मतलब ये एक पूरा ऐसा ही बनेगा फ्राई। हाँ, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं रखेंगे हम इसको, हाँ। कट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। इतना बड़ा बड़ा खाएंगे क्या? नहीं, और मैंने इससे पहले खाया नहीं है, जब लास्ट टाइम आपकी मम्मी बनाए थे ना तभी खाया था। हाँ, लेकिन समीर बाहर ऐसा ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा बादल? आज गर्म कितना था इसलिए बाहर हवा छुट्टी है तो बारिश का क्लाइमेट हुआ इस वजह से। हाँ अच्छा, जो बाटी होती है ना ज्यादा करके ऐसी ही खाते हैं, इसको ऐसे चूरते और खाते। आपको तो बड़ा पता है, हाँ, आप आपके फ्रेंड के मम्मी से सीखे हो ना, बबीता आंटी ना, बबीता आंटी ना, आपके फ्रेंड के मम्मी का नाम पता नहीं जिसने जिससे आपने ये रेसिपी सीखा है, पर बबीता आंटी है वो। तो देखो ये बॉईल हो रहा है, पानी गर्म हो गया है तो अभी मैं इसमें एक एक डालती हूँ। ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है मेरे को भी। जैसे आप उसमें डालो ना फरा, तो दूर से क्या लग रहा है पता है क्या? बटाटा लग रहा है। सेम बटाटे का शेप आया है उसको। अभी किसी को भी तुम लाके दिखाओगे ना, अरे वाह, तुम सोचेंगे अरे बटाटे बन रहे हैं, मतलब उबल रहे घर पे। अभी ये जो है ना, हमको अभी कैसे पता चलेगा कि ये पक गया है? तो ये जो है ना, ये ऊपर आ जाएंगे। हाँ क्या? ये ऐसे थोड़े बड़े भी होंगे और पानी के ऊपर ऐसे तैरेंगे वो, तो फिर समझ जाने का क्या। दाल तो हो गई ना अपनी? हाँ, दाल रेडी है। चलो भाई, दाल तो रेडी है। ये देखिए आलू हमारे बन के उबल रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि आलू है? देखा है उन्होंने यहाँ पे आटा गूंदा है अपने इसमें और इसमें डाल दिया है बॉल बना के, तो कैसे वो आलू बनेंगे? लेकिन दिखने में वो शेप आलू है सिर्फ। तो अभी इसको अच्छे से हम बॉइल होने देंगे। दाल तो रेडी हो गई, तो अभी क्या करूँ मैं? तो अभी रील्स बनाते हैं। चलो समझ। बटाटे हमारे बन के उबल गए हैं और ओ, जब डाले थे तब तो कितने बाटी बाटी, हाँ चलो बाटी, जब तो फरा ने डाला था ना इसमें तो कितने छोटे थे, अभी कितने बड़े हो गए फरा। और ये देखो कैसे तैर रहे, मैं बोली ना वो तैरने लगते हैं। तो देखो कितने आसानी से वो ऊपर आ गए, मतलब ये हो गए अभी। तो अभी इसको हम ठंडा होने देंगे, देन इसको कट करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे, फिर हमारी रेसिपी रेडी हो जाएंगी जल्दी से। हो गया इतना ही? इतने ही? जल्दी बन गई ना? जल्दी बन गई ना? जल्दी बन गई ना? करके देखो। तो ये हमारी बाटी रेडी हो गई है। तो चलिए अभी हम इसको ऐसे और ऐसे चार कट लगाते हैं। एक ऐसे और ऐसे, तो इसको मैं पूरा ऐसे काट के लेती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ऐसे पीसेस मैंने इसके कट किए हूँ, एक बाटी में चार पीस किए हैं। तो अभी हम इसको फ्राई करके लेंगे। तो चलिए अभी मैं तेल रखती हूँ गरम के लिए। ये रख दिया है मैंने तेल, तो तेल को अच्छे से हमको गरम होने देना है और फिर हम उसके बाद ये बाटियों को तल लेंगे। इसको पहले अच्छे से गर्म होने देते हैं, अभी मैंने रखा हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मैं ईजान को देख लेती हूँ, तब तक ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलिए अभी हम एक एक करके इसमें ये बाटी डालते हैं। बाटी मैंने इसमें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। कलर कैसे चेंज हो रहा है, अच्छे से डीप फ्राई करके फ्राई करना है हमको उसको। तो चलिए अभी हम निकाल देते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ये मैंने सारे निकाल दिए हैं, अब ये वाले बच्चे हैं ये भी हम इसमें डाल देते हैं।
मैं गया था ईजान को संभालने के लिए क्योंकि वो उठ गया है और हम उसको यहाँ पे नहीं लेकर आए क्योंकि यहाँ पर अगर लाते देना तो फरा को बनाने भी नहीं देता था। और ये बाटी बन गई है, बाटी ही बोलते ना इसको, बाटी दाल, बाटी जो भी है ये लेके बन गए हैं। और कितने अच्छे भी लग रहे हैं फरा, अच्छा लग रहा है खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी। हाँ ना, हाँ अगर आपने बनाया तो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ना। चलिए मैं आपके हाथ बताती हूँ। क्या बताते हो? छोटा लेती हूँ। अच्छा। ये देखो थोड़ा गर्म ही है, कितने सॉफ्ट बने हैं ये बता रही हूँ। अच्छा बने, एकदम सॉफ्ट। हाँ ना, हाँ कितने अच्छे बने, हाँ दाल के साथ बहुत भारी लगते हैं। अपने इसको काटा कैसे ना, एकदम जैसे रहते ना वही शेप में छुरी से काटा है पर उसको पता क्या अच्छे लग रही है जानते हैं अपने भी दो है। अच्छा वो पूरा यही कर देंगे, गादी भरा देंगे पता है क्या, बच्चे लोग तभी सीखते हैं खाने का। हाँ क्या आप भी ऐसे ही सीखे थे ना, इतना नहीं टेंशन लेने का घर गंदा होने का, होने देने का, करना तो समीर को ही है ना मैं भी करती ना, ऐसा मत बोलो सर, आप ही जाके लेकर आते क्या? आप ईजान को संभालते लेकिन बाकी तो मैं ही करता हूँ ना। क्या क्या बाकी? हेल्प आपके। क्या हेल्प करते हैं? हाँ जैसे कुछ करता ही नहीं मैं है ना। अरे तो सिर्फ आप बैठे जाके बैठते हो, सभी मेरे को ऑर्डर करते हो, समीर ये चाहिए, समीर वो चाहिए, ये लाओ वो लाओ, ईजान का सभी ला के देता हूँ ना मैं। हुआ है नहीं फरा, खाने का भी है, दाल तो मस्त बनी। और फरा दाल के साथ चावल भी चाहिए। हाँ मुझे ये तो हमने रेसिपी के लिए बनाया था अभी क्या, लेकिन मेरे को नहीं दाल बहुत अच्छी बनी है इसलिए मेरे को चावल भी उसके साथ चाहिए। जब खाना होगा ना तब बना देना, मेरे लिए थोड़े बनाना, अगर आप खाते हो तो आप भी बनाना। अभी मैं इसी तेल में थोड़े से कुरड़े भी फ्राई कर लूंगी। चलेगा आपके लिए ना, क्यों आप नहीं खाते क्या? खाता हूँ ना, पर मेरे को वो वाला पपड़ कौन सा हो पता है ना, उड़ीद का, वो वाला बहुत अच्छा लगता है। हाँ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, सबसे महंगी चीज आपको अच्छी लगती है सबसे ज्यादा। हाँ इसीलिए कभी कभी खाता हूँ, इतनी भी महंगा नहीं। ये जो है ना कल भाभी ने लेकर आए थे, ये मेरे अम्मी ने और भाभी ने, ये जो पपड़ है ना, पपड़ कुड़े ये सब घर के है, मेरे अम्मी ने और भाभी ने मिलके बनाए हैं। तो अभी ये जो है ना ये प्लेट में ही निकालती हूं। ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई है दाल बाटी की, ये कितनी अच्छी लग रही है। फरा ने बहुत अच्छे से बनाया है और ये मैंने अभी भी खाया है दो बार, बहुत अच्छा बना फरा, टेस्टी बनी है। रीजन भी आ गया है अभी खाने के लिए, चलिए अभी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं फरा का एक फ़ोटो ले रहा था जो कि उन्होंने रेसिपी बनाई थी दाल बाटी की, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू सो मच फरा। तो ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।